Hi students, I am Atul Rana and I am back with 12th chemistry. And today we will be doing 12th chemistry. My fourth video lecture will be electrochemistry. Okay. So in the other lecture we have discussed about Faraday's second law and Faraday's first law. Today we will be discussing the difference between metallic conductors and electrolytic conductors. मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, तुम्हें बता देता हूं मैं। जैसे देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस है या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जाना, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहां पे बल्ब होता, मैंने बल्ब जलाया, ठीक है, वहां पे लाइट चली गई, तो मान लो इलेक्ट्रिसिटी यहां पे थी, बल्ब जलाते ही सॉरी बटन ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी जो यहां पे स्टोर थी वो वहां पे चली गई बल्ब के पास। तो बीच में क्या था? कॉपर वायर थी, बीच में कॉपर वायर थी, कॉपर वायर के पास क्या था? कॉपर वायर के पास क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को इस बटन से वहां तक पहुंचा दिया। सो हु कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी? दीज इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी। गेटिंग द पॉइंट? अब जैसे मान लो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में तुमने बिजली की तार लगा दी, तो तुम यहां लगाओगे वहां तक झटका जाएगा, तो यहां से वहां तक इलेक्ट्रिसिटी को कौन लेके गया? तो स्विमिंग पूल में क्या है? वाटर है। वाटर के पास क्या है? आइंस है। तो स्विमिंग पूल में इलेक्ट्रिसिटी किसने कंडक्ट की? स्विमिंग पूल में इलेक्ट्रिसिटी यहां लगाई, कंडक्शन भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तार यहां लगाई, तार वहां तक चले गए करंट, तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो था क्या? वहां पे आइंस थी, तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी किसने कंडक्ट की? आइंस ने। सो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड, मीन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन्स और आइंस, आइदर हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आइंस, ओके। सो द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की हेल्प से अगर इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, और अगर आइंस की हेल्प से हो तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब तुम बोलोगे इसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज आइंस वी आर गेटिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कैन बी डन इन टू वेज, विद द फ्लो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और विद द हेल्प ऑफ आइंस, ओके। सो इफ इट इज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, एंड इफ इट इज विद द हेल्प ऑफ आइंस दैट इट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ओके। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? नॉन मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रॉन को देता है मेटल देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम आ जाता है मेटालिक कंडक्टेंस, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय मेटल्स, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ओके। तो टू टाइप ऑफ कंडक्टेंसेस आर देयर, वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन टू, ओके। आई एम एक्सप्लेनिंग द सिंपलेस्ट वे आई कैन, ओके, टू मेक एवरीथिंग क्लियर टू यू, ओके। फर्स्ट आ गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ओके, एंड सेकेंड आ गया इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के बाद इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट क्या गया था? कंडक्टेंस इज डन हेयर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड हेयर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में कंडक्टेंस इज ड्यू टू विद द हेल्प आइंस, ओके। यहां पे कंडक्टेंस किसकी वजह से है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, हेयर कंडक्टेंस किसकी वजह से है? आइंस की वजह से। फर्स्ट डिफरेंस आ गया, सेकेंड डिफरेंस, ओके। दिस इसमें देखो, जैसे कॉपर है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और जैसे वाटर है तो वाटर ने क्या दिया? 4H पॉजिटिव प्लस 2O2 नेगेटिव आइंस दिए। यहां पे देखो डिकम्पोजिशन हो रही है, यहां पे कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रही है, कॉपर कॉपर रह रहा है, बस दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है। कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 29 इलेक्ट्रॉन थे, दो रिलीज कर दे 27 रह गए, बात खत्म। कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन थे, दो रिलीज करते 27 रह गए, कॉपर तो कॉपर ही था। यहां पे वाटर टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, तो यहां पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में डिकम्पोजिशन हो रही है, उसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रही है, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस,
डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। और यहां पे नो डिकम्पोजिशन, यहां पे कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होती है। ठीक है, अब देखो तुम इसको जितनी ज्यादा टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाटर जल्दी टूटेगा क्योंकि टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, वो जल्दी एक दूसरे से बॉन्ड तोड़ के जल्दी आ जाएगी। तो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ये जो होती है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी क्या करती है, ये कंडक्टर्स क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहां पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी आइस देंगे, जल्दी आइस देंगे मतलब कंडक्टर्स जल्दी होगी, तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टर्स इंक्रीज होती है। अब इस केस में देख ले, दूसरे वाले केस में क्या नाम है इसका। अब देखो तुम कॉपर को 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 100 चाहे 202, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करने हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करेगा। गेटिंग द पॉइंट? सो टेम्परेचर देने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते नहीं है तो कंडक्टर्स उतनी ही रहेगी, ठीक है, बढ़ेगी तो घटेगी, बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 50 डिग्री दे दो 100 डिग्री दे दो, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन तो दो ही रिलीज करने हैं, तो कंडक्टर इसकी इज ड्यू टू डोज टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, एक तो बात होगी। अब दूसरी एक बात, कर्नल, कर्नल जानते हैं कर्नल क्या होता है, मान लो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का सेल फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल, फर्स्ट सेल में सोडियम के दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तीसरे में कितना 1 है, ऐसे है सोडियम की कॉन्फिगरेशन क्या है, जूनियर क्लास में पढ़ेगी 2, 8, 1। ओके, पहले में दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8, तीसरे में 1। मैंने क्या किया, इसमें से एक निकाल दिया, इसको बैलेंस कर दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब बैलेंस वाले का इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सोडियम क्या बन गया, अब सोडियम क्या बन गया 2, 8, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब सोडियम क्या बन गया 2, 8। तो आफ्टर लूजिंग बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, आफ्टर लूजिंग बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस प्लस इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज कर्नल। गेटिंग द पॉइंट? बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो, अंदर वाले सेल सेल उसके इलेक्ट्रॉन्स और साथ में न्यूक्लियस जो बच जाता है उसको कलेक्टिविटी के बोलते हैं कर्नल, उसको कलेक्टिविटी के बोलते हैं कर्नल। कर्नल का मतलब क्या, कोई भी पॉजिटिव चार्ज आइटम उसको क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज आइटम उसको क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे। उसमें से बैलेंसर के इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, जब सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, बैलेंसर के सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, बैलेंसर खत्म हो गया, सिर्फ अंदर वाले शेल बचे और न्यूक्लियस बचा है, देन दैट इज नोन एज कर्नल। गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो क्या होगा, अब देखो इसका कंडक्टेंस पे क्या असर है इसका, हाउ इज द इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस दिस कर्नल ऑन कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस का मतलब था देखो इलेक्ट्रॉन्स ने यहां से वहां तक जाना था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए कॉपर की, या इलेक्ट्रॉन ने यहां से वहां तक जाना है, मतलब यहां से वहां तक जाना इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है। अब पहले जब टेम्परेचर कम था तो कर्नल्स तो होंगे, पर ये मेटल तो कर्नल एक जगह फिक्स होंगे क्योंकि टेम्परेचर कम था, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कर्नल क्या करेंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ते क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेंगे, अगर कॉपर दो इलेक्ट्रॉन निकालता था तो दो ही निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे तो कंडक्टर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट टेम्परेचर बढ़ाते जो कर्नल बीच में है ये क्या करेंगे, पहले चुपचाप थे, टेम्परेचर कम था तो चुपचाप पड़े थे, टेम्परेचर बढ़ाते हिलना शुरू कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन को आगे एक जगह से दूसरी जगह, इसने यहां तक पहुंचना है और इसने वहां तक पहुंचना है, इनको पहुंचने में रोक सकते हैं, हिलते थे ना बीच में जानवर भी हिल सकते हैं, अगर एक जगह तो मान लो यहां से निकल गया, यहां से निकल रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, इसको पकड़ सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देगा, मतलब कंडक्टेंस को कम करेगा। गेटिंग द पॉइंट? सो यहां पे क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होती है, नीचे जाती है। दीज आर द थ्री मेन डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। गॉट इट?